बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ बॉक्स ऑफिस पर भले ही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की कोई किस्मत न जा रही हो, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म रेस में सबसे आगे है। सोमवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में मैदान को धूल चटा दी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने अब तक कितनी कमाई की है यह जान लेते हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 हफ्तों से ज्यादा समय हो चुका है। बीते साल कॉमेडी से लेकर ऐतिहासिक फिल्म करने के बावजूद अक्षय कुमार की सोई किस्मत बॉक्स ऑफिस पर नहीं जागी। सिर्फ अक्षय ही नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ भी एक के बाद एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट रही। इस बीच ही जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ में ये दोनों कलाकार साथ आए तो सबको यही लगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ेगी। हालांकि खिलाड़ी कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने सफलता के झंडे तो नहीं गाड़े, लेकिन सोमवार को कमाई के मामले में मैदान की हवाइयां जरूर उड़ा दी है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भले ही धुआंधार बिजनेस नहीं कर पा रही हो, लेकिन एक बार फिर से मूवी अपने कदम मजबूत करते हुए नजर आ रही है। वीकेंड पर भले ही अक्षय देवगन की मैदान बाजी मार गई हो, लेकिन खिलाड़ी अक्षय कुमार ने बता दिया है कि वह इतनी जल्दी हथियार नहीं छोड़ेंगे। रविवार को तकरीबन 1 करोड़ तक का कलेक्शन करने वाली इस मूवी की कमाई सोमवार को गिरी जरूर, लेकिन फिलहाल बॉक्स ऑफिस की रेस में ये फिल्म सबसे मैदान और रुसलान को पीछे छोड़कर सबसे तेज दौड़ रही है। रिपोर्ट माने तो मूवी ने सोमवार को टोटल 37 लाख के आसपास का बिजनेस किया है, जबकि मैदान ने महज 19वें दिन में लगभग 9 लाख रुपए कमाए। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस मूवी का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 7.92 करोड़ का हुआ है। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान को रिलीज हुए 18 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अभी तक इस फिल्म ने गिरते पड़ते 40 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ओपनिंग डे पर ठीक ठाक सी कमाई करने के बाद इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि फिल्म ने निराश नहीं किया, पहले हफ्ते में ही यह लगभग 28 करोड़ के पास पहुंच गई थी, लेकिन दूसरे हफ्ते में आते ही मूवी के कलेक्शन जबरदस्त गिरावट हुई और इसका कलेक्शन लाखों में सिमट गया। तीसरे हफ्ते की शुरुआत में इस फिल्म ने दोबारा छलांग लगाई है और इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी होने को मिली है। चलिए जानते हैं कि 18वें दिन रविवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है। ईद के मौके पर रिलीज हुई अमित शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म मैदान को लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कुछ लोगों ने अजय देवगन के अभिनय की भी खूब तारीफ की। हालांकि बीच में हुई इनकी कमाई में गिरावट देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन अब रविवार को इसकी कमाई में जान आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 18वें दिन अजय देवगन की फिल्म मैदान ने 1.90 करोड़ की कमाई की है। ऐसे में इस फिल्म को छुट्टी का पूरा फायदा मिला है और अब इसकी कमाई 42.75 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म को इस वीकेंड का तो भरपूर फायदा मिला है, लेकिन अब इसे नॉन वीकेंड में कमाई के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अब अजय देवगन की फिल्म मैदान का अगला टारगेट जल्द से जल्द 50 करोड़ के क्लब में शामिल होने का है। गुड बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर ताजा तरीन खबरों के।